एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग की सहायता से अब आप बहुत ही आसानी से खुद अपना एचआईवी टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ये टेस्ट आप अपने घर पर ही कर सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जगह पर, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग उन लोगों के लिए है जो 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के हैं, या जिन लोगों को अपना एचआईवी स्टेटस नहीं मालूम, या जिन्हें शंका है कि वो किसी एचआईवी पीड़ित के संपर्क में आए हैं। अगर आप एचआईवी का इलाज करवा रहे हैं तो कृपया ये टेस्ट ना करें। खुद की जांच करने से 30 मिनट पहले आप ना कुछ खाएं, ना कुछ पिएं और ना ही किसी भी तरह के ओरल केयर उत्पादों का इस्तेमाल करें। टेस्टिंग के दौरान 20 से 40 मिनट तक किसी सुविधाजनक जगह पर ही रहें। इसके लिए आप अपने साथ टाइमर घड़ी भी रख सकते हैं। किसी भी तरह का डेंचर या नकली दांत इस्तेमाल करते हैं तो एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग के पहले उसे निकाल लें, यानी कि सुनिश्चित कर लें कि मसूड़ों पर किसी भी तरह का आवरण ना हो। यदि बॉक्स की सील टूटी है या एक्सपायरी डेट निकल गई है तो किट का उपयोग ना करें। किट खोलने से पहले कमरे के तापमान पर बॉक्स को स्टोर कर सकते हैं। किट को फ्रीज ना करें। निर्देश पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें। किट में एक टेस्ट ट्यूब, ओरल ब्रश, टेस्ट स्ट्रिप और एक टेस्ट ट्यूब होल्डर रहता है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को होल्डर में डालें। टेस्ट ट्यूब के कैप को धीरे से खींचें। ये ध्यान रखें कि टेस्ट ट्यूब से लिक्विड बाहर ना गिरे। स्वाब हैंडल की तरफ से प्लास्टिक बैग को सावधानी पूर्वक खोलें। स्वाब के नीचे के कपड़े को ना छुएं। ब्रश को बाहर निकालने के लिए हैंडल का ही इस्तेमाल करें। ओरल ब्रश से अपने ऊपरी मसूड़ों को ऊपर नीचे करते हुए बाएं से दाएं घिसें और फिर दाएं से बाएं इसे दोहराएं। निचले मसूड़ों पर भी ऐसे ही घिसें। अब इस ओरल ब्रश को टेस्ट ट्यूब लिक्विड में डालें। इसके बाद 6 से 8 बार ओरल ब्रश को टेस्ट ट्यूब लिक्विड में धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। ओरल ब्रश में लगे अतिरिक्त लिक्विड को टेस्ट ट्यूब में ही निचोड़ें। इसके बाद ओरल ब्रश को ट्यूब से निकालकर किनारे रख दें। अब पाउच से टेस्ट स्ट्रिप को निकालें। स्ट्रिप के बीच वाले हिस्से पर हाथ बिल्कुल ना लगाएं। स्ट्रिप में बने तीर के निशान के मुताबिक उसे टेस्ट ट्यूब में डुबोएं। इसके बाद 20 मिनट तक प्रतीक्षा करें, लेकिन 45 मिनट से ज्यादा नहीं। जब टेस्ट स्ट्रिप पर आपको लकीरें दिखने लगें, तब स्ट्रिप को ध्यान से देखें। एक लकीर का मतलब है कि आपका एचआईवी टेस्ट नेगेटिव है। ये आवश्यक है कि 3 महीने के बाद फिर टेस्ट करें। टेस्ट स्ट्रिप पे 2 लकीर का मतलब है कि आप एचआईवी पॉजिटिव स्क्रीन हुए हैं। लकीरें कितनी गहरी या हल्की हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किट केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। पॉजिटिव स्क्रीन होने पर आपको इसकी पुष्टि के लिए टेस्टिंग सेंटर जाना होगा। आप कृपया निकटतम काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर जाकर डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। टेस्ट के बाद इस पूरी किट को कूड़ेदान में फेंक दें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।